तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओवेशन विद प्लांट पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स पौधे का नाम बता रही हूँ जिसे आप सितंबर मंथ में ग्रो कर सकते हैं। अगर इस समय इनके बीजों को लगा लेते हैं तो पूरी सर्दी इनसे आप वेजिटेबल्स ले सकेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके उन पौधों का नाम बताती हूँ जिसे आप इस समय सीड के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला जो वेल वाले पौधे आप देख रहे हैं वो है लौकी के वेल वाले पौधे, जिसे इस समय बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इस समय इसके सीजन है बीज लगाने का। आप अच्छी क्वालिटी के बीज ले आइए और किसी बड़े कंटेनर में या फिर आपके पास ड्रम है उन ड्रम में आप ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में भी लगाया जा सकता है इनके बीजों को। इनको बीजों को लगाने के लिए आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे में अलग से आप इनके बीजों को पहले ग्रो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जहां पर भी लगाना चाहते हैं उस तरीके से भी आप ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट जहां पर भी बीज इसके लगा दें वहां से भी ये पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो फटाफट से आप इनके बीजों को आप लगा लें। दूसरा जो पौधा आप देख रहे हैं ये बीन्स वाले बेल वाले ही पौधे हैं। बीन्स के बीज भी इस समय लगाए जा सकते हैं, चाहे कोई भी बीन्स की वैरायटी हो। इस समय बीन्स की सीडलिंग आप इस समय ग्रो कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको अच्छे बीन्स देखने को मिलेंगे। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं या फिर बड़े कंटेनर है आपके पास तो उसमें भी लगाया जा सकता है। तो इस समय बीन्स के सीडलिंग भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पौधा आप देख रहे हैं ये मूली के प्लांट। इस समय मूली के सीडलिंग करने का बेस्ट टाइम है। इस समय आप मूली को बीजों से लगा सकते हैं। आप इस समय किसी सीडलिंग ट्रे में या फिर डायरेक्ट किसी ग्रो बैग में इसे ग्रो करने के लिए कम से कम 14 से 15 इंच के ग्रो बैग काफ़ी होंगे। तो आप ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर बोड़े की थैली में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय इसकी सीडलिंग किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो पौधा आप देख रहे हैं इस समय मिर्च के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। आपके पास घर पर अगर इसके सूखे मिर्च हैं तो उन सीडों को भी आप लगा सकते हैं, या फिर इनके सीड को आप खरीद सकते हैं और इनके बीजों को इस समय लगा सकते हैं। आप घर पर ही बीजों से आप चाहें तो ग्रो कर ले तो इस समय मिर्च के पौधे के सीड भी लगाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो पौधे आप देख रहे हैं ये भिंडी के पौधे, जिसके बीज इस समय आप चाहें तो लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो पौधे आप देख रहे हैं ये टमाटर के सीडलिंग। इस समय टमाटर के सीडलिंग भी करने का बेस्ट टाइम है। इस समय आप चाहें तो इनके सीडलिंग को ग्रो कर लें और ग्रो करने के बाद जब छोटे छोटे पौध तैयार हों तो उसे थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाएँ तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इस समय जो बीज आप ग्रो कर सकते हैं वो है विटरगार्ड करेला के बीज भी इस समय लगा सकते हैं, या फिर घर पर जो सब्जियां आते हैं उन बीजों को निकाल कर भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय मटर के बीज भी लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा आप फूल गोभी पत्ता गोभी के बीज भी इस समय ग्रो करने का बेस्ट टाइम है। इस समय आप चाहें तो शलजम के बीज भी लगाए जा सकते। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आप बीज ऑनलाइन ख़रीद लें और इन बीजों को फटाफट लगाने का इस समय बेस्ट टाइम है। आप लगा सकते हैं इनके बीजों को।